चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान की। ठीक है, अगर आप कोई ग्राउंड फ्लोर प्लान डिजाइन कर रहे हो, बेसिकली ईस्ट फेसिंग का, ठीक है, ईस्ट फेसिंग का प्लान अगर आप कोई डिजाइन कर रहे हो, तो आपको इस प्लान से थोड़ी सी जो है मदद मिल सकती है, थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आपको इससे मिल सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे डायरेक्शंस है। ठीक है, यहाँ से ईस्ट फेसिंग आपका ये मकान है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से आप वास्तु को अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से रूम्स को एडजस्ट कर सकते हो, क्या इसके साइजेस प्रोवाइड कर सकते हो, स्टेयर्स वगैरह के क्या साइजेस प्रोवाइड कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए प्लॉट का साइज क्या है आपका, तो ये काफी छोटा साइज है प्लॉट का। ठीक है, 30x23 का ये साइज है। तो ईस्ट फेसिंग कोई अगर आप कोई छोटा प्लॉट अगर डिजाइन करने जा रहे हो, तो आप उससे एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपका साइज 30x25 हो, ठीक है, या फिर यहां से मान लो आपका 30 या 40 तक हो तो भी नॉर्मल चल जाएगा, 25 से मान लो 30 तक हो तो चल जाएगा, और अगर बड़ा है तो फिर प्लानिंग आपकी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं अलग अलग जो है आपको प्लान्स प्रोवाइड करूंगा इस वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, बेसिकली इसकी बात करते हैं, ये एक लाइव साइट है जहाँ पे 30x23 का प्लॉट है। ठीक है, इसके जो ईस्ट फेसिंग है वहां पे आपके एंट्रांस है यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो तीनों साइड है वहां पे आसपास जो है आपके मकान बने हुए हैं, तो तीनों साइड ब्लॉक है, तीनों साइड ब्लॉक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी डोर विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ना ही कोई वेंटिलेशन के लिए कोई एग्जॉस्टर वगैरह, या फिर मैं कोई रोशनदान यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपने एंट्री ली। अब सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे जो आ रहा है लेफ्ट में किचन। ठीक है, तो ये नक्शा जो है बिल्कुल वास्तु के हिसाब से है। यहाँ पे साउथ ईस्ट के अंदर आपका जो है किचन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का जो आपका एंगल होता है, इधर आपको एक्चुअली वाटर टैंक को सेट करना जरूरी होता है, तो वाटर टैंक का जो ढक्कन है, ठीक है, वो तो यहाँ पे आपका ग्राउंड पे लगा हुआ है, और इसका जो मान लो आपको यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे जो खुदाई होगी आपकी, वो जो होगी वो इस तरह से होगी, वो थोड़े से इस वाले एरिया के अंदर रखनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग आपका जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपने को यहाँ पे इसको वाटर टैंक को डिजाइन करना होता है। ठीक है, तो आपका इसका ढक्कन आप यहाँ पे रखोगे, बट यहाँ से लेके आपका जो वाटर टैंक का जो है नीचे वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा गेस्ट रूम के नीचे आएगा और इस तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो वाटर टैंक का जो मेरा ढक्कन है वो तो आपका आ जाएगा ग्राउंड लेवल पे, और उसके बाद लगभग सिल लेवल के आसपास मेरा जो है एक स्लैब और मैं प्रोवाइड करूंगा, और वहां पे मैं टेम्पल को भी इसके साथ में यहीं पे डिजाइन करूंगा। ठीक है, क्योंकि टेम्पल के लिए भी आपका जो है एंगल जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट ही बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैंने जो गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है, गेस्ट रूम का साइज भी आपको अच्छा खासा देखो यहाँ पे मिल गया है, 9 फिट और 7.5 इंच का, इस तरह से यहाँ पे एक्स डायरेक्शन जो पहले वाली जो वैल्यू है वो मेरी एक्स डायरेक्शन की है, ये होगी 9 फिट 7.5 इंचेस, और ये वाली जो है ये मेरी हो जाएगी 9 फिट 1.5 इंचेस। ठीक है, देन उसके बाद आगे आप चलोगे तो इसके अंदर देखो टोटल 3 रूम प्रोवाइड किए गए, एक गेस्ट रूम हो गया, एक यहाँ मास्टर बेडरूम, एक यहाँ पे लिविंग रूम। मास्टर बेडरूम की बात करो तो देखो यहाँ पे मास्टर बेडरूम की डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, यहाँ से नीचे से आप डायरेक्शन देख सकते हो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अपना यहाँ मास्टर बेडरूम आ गया। तो मास्टर बेडरूम भी मेरा सही डायरेक्शन में सेट हो गया है वास्तु के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे स्टेयर भी जो है वो भी मेरी वास्तु के अकॉर्डिंग सही डायरेक्शन में आ गई है। मास्टर बेडरूम और स्टेयर जो है उसके उसके लिए जो है यहाँ पे आपका जो उपयुक्त जो दिशा रहती है वो यही रहती है वास्तु के हिसाब से, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। और चूंकि मेरे पास वेंटिलेशन के लिए जोन्स बहुत कम है, सिर्फ मैं यहीं पे देखो यहाँ पे 2 विंडोज लग रखी है मेरी, तो मैंने पीछे यहाँ पे 2.5 फिट की जो है गैलरी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, 2 फिट 6 इंचेस की पीछे यहाँ पे गैलरी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पे देखो इस रूम के लिए और इस रूम के लिए दो मैं यहाँ पे खिड़की के ऊपर एसी के पॉइंट्स भी दे सकता हूँ, और यहाँ पे लेट बाथ से सॉरी आपका लेट बाथ जो होगा उसके लिए भी यहाँ पे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली बेसिकली विंडो नहीं है, यहाँ पे रोशनदान मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका स्टोर रूम बन जाएगा। ठीक है, 4x6 का, ठीक है, लगभग इधर से ये 3 फिट 9 इंच हो जाएगा, ऐसे आपका ये 6 फिट हो जाएगा। मास्टर बेडरूम जो है उसका साइज आपका ऐसे 8 फिट है, और ऐसे आपका हो जाएगा 11 फिट 3 इंच। यहाँ पे जो आपका लिविंग रूम है इसका साइज जो है ये आपका हो जाएगा 9 फिट 7.5 इंचेस और 9 फिट 1.5 इंचेस। ठीक है, तो पहले वाली जो वैल्यू है वो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू, और सेकंड जो है वो ये वाली वैल्यू है आपकी वाई डायरेक्शन वाली। मास्टर बेडरूम में आपको यहाँ पे साथ में अटैच लाइट बाथ भी आपका हो जाएगा, और इसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने यहाँ पे गैलरी को छोड़ रखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल छोटा प्लॉट है ये, 30x23 का ईस्ट फेसिंग मकान है, तो इसका एक बेसिक आइडिया आपको बहुत अच्छे से मिल गया होगा कि कैसे इसमें मैं किचन
और मेरे 3 रूम और कॉमन लैट बाथ को सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक रूम के अंदर मैंने अटैच लैट बाथ भी दिया है। सीढ़ियों को कैसे मैं सेट कर सकता हूँ, एक छोटा यहाँ पे स्टोर रूम भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो रेजिडेंशियल के हिसाब से एक कंप्लीट आपको सॉल्यूशन इसमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो लैट बाथ है, ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ जो है यहाँ पे कुछ लेवल पे आ जाएगी, इस जगह पे लगभग 7 फिट या 8 फिट पे जहाँ पे आएगी ये सीढ़ियाँ, तो वहां पे नीचे यहाँ पे लैट और बाथ जो है साथ में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और ये वाली जो इधर सीढ़ियाँ हैं ये आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे चली जाएगी, तो यहाँ पे जो है काफी एलिवेशन मिल जाएगा आपको, तो काफी अच्छी तरह से आपका नीचे जो है लैट बाथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्लान से रिलेटेड, इस फेसिंग मकान से रिलेटेड जो मैंने वास्तु इसके अंदर बताया है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का वास्तु है। ठीक है, तो बेसिक वास्तु को इसमें काम में लिया है। मोस्टली इसमें जो ध्यान रखा गया है किचन का बेसिकली ध्यान रखा गया है, वाटर टैंक का जो है वो प्रॉपरली ध्यान रखा गया है, स्टेयर की जो डायरेक्शन है उसका ध्यान रखा गया है, मास्टर बेडरूम को प्रॉपर तरीके से दिया गया है। और आप देखोगे लाइट बाथ भी एग्जैक्टली वास्तु के हिसाब से सेट हो रहे हैं, तो वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा बेटर प्लान है अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहो। ठीक है, तो प्रॉपरली अगर आप इस प्लान को कहीं पे भी कॉपी करना चाह रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका प्लान जो हो वो ईस्ट फेसिंग हो। ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग अगर आपका यहाँ पे एंट्रेंस आपका मिल रहा है, ईस्ट फेसिंग जो प्लान है उसमें आप इस तरह की सेटिंग्स को आप अप्लाई कर सकते हो। साइज में थोड़ा सा वेरी कर सकता है चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ईस्ट फेसिंग होना चाहिए मकान का साइज। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके अंदर लोबी भी काफी आपको बड़ी मिल रही है, बहुत बड़ा आपको ओपन एरिया भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप नॉर्मली जैसे यहाँ पे फोर व्हीलर तो नहीं रख सकते हो, बट टू व्हीलर वगैरह आप यहाँ चाहो तो वो भी पार्क कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो भी अदर रिक्वायरमेंट अगर कुछ और आपको चाहिए तो स्टोर रूम को आप किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 3 रूम, एक स्टोर रूम, सीढ़ियां और एक कॉमन भी मैंने दे दिया, एक अटैच भी मैंने दे दिया, और इस तरह से मैं इसको पूरा डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी और अलग अलग टाइप के जो प्लान्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में कवर करता हूँ। ठीक है, अभी के लिए करते हैं ओवर।